نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين رواه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من انتهب نهبة فليس منا رواه الترمذي عن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه رواه الترمذي وأبو داود عن أبي حرة الرقاشي عن عمه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه رواه البهيقي في شعب الإيمان عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وأصحابه بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعاما فأخذ لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها فقالت المرأة يا رسول الله إنا لا نحتشم من آل معاذ نأخذ منهم ويأخذون منا رواه أحمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज भाइयों अहकामात मुआशरत और अहकामात मुआमलात का बयान चल रहा है। हमारे सामने बहुत से अहकामात मुआशरत और मुआमलात के एतबार से आए जिसमें वसीयत के अहकाम का बयान हुआ, मीरास के अहकाम का बयान हुआ और
आरियतन किसी की चीज़ लेने का बयान हुआ, ये सारी तफसीलात हमारे सामने आई। अब आज बयान है ये अहादीस मुबारका जो बयान हुई इनका ताल्लुक गसब से है। इसके बयान से पहले कुछ बात तमहीदन अर्ज करनी है और वो सफ़र से मुतल्लिक, सफ़रुल मुजफ्फर का महीना ख़त्म होने को है और बहुत से लोग बल्कि बहुत सी औरतें वो सफ़रुल मुजफ्फर के महीने के आखिरी बुध को तफरी का दिन मनाती हैं। और एक बात अपनी तरफ से घड़ ली कि सफ़र के महीने के आखिरी बुध को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहतियाब हुए और आप बाग में तशरीफ़ ले गए, तो लिहाजा इस सुन्नत को हम ज़िंदा करेंगे और इस पर अमल करेंगे। और इस आखिरी बुध के उन्वान से बहुत से औरतें तफरी गाहों में पहुँच जाती हैं, हालांकि इसकी कोई असल नहीं, कोई बुनियाद नहीं, कोई मौतबर रिवायात में ऐसा कोई जिक्र नहीं, तस्करा नहीं, बस घूमने फिरने के लिए एक उन्वान निकाल लिया। आदमी को घूमना फिरना हो तो बग़ैर उन्वान के भी घूम फिर सकता है, मना नहीं है। शरीयत के दायरे में रहते हुए, शरीयत की हुदूद में रहते हुए आदमी तफरी कर सकता है, मगर कोई तफरी के लिए इस तरह उनवान बना लेना और इसका ताल्लुक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जोड़ देना, ये बड़ी ख़तरे की बात है। बाज़ रिवायात में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जो आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो बात मंसूब करे जो आपसे मनकूल नहीं है, तो वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। देखिए कितनी सख्त वईद आई। इस वईद और डांट की वजह से बहुत से सहाबाए किराम अहादीस मुबारक बयान नहीं करते थे कि ना मालूम बयान करने में हमसे क्या ख़ता हो जाए, और बहुत से सहाबाए किराम ये एहतियात फरमाते थे कि ये फरमा देते थे कि मानल हदीस, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा या इस तरह कुछ फरमाया था, बेआईन ही यही अल्फाज नहीं थे, बस यूं फरमाया या इस जैसे कुछ अल्फाज फरमाए, इतनी एहतियात थी सहाबाए किराम में। और हमारे यहाँ एहतियातें ख़त्म हो गई और घूमने फिरने के लिए मुख्तलिफ़ उनवान तलाश कर लिए, तो मर्दों की जिम्मेदारी है कि औरतें अगर इस किस्म की बातें करें तो वो उन्हें रोकें। अगर मर्द नहीं रोकेंगे तो फिर मर्दों से पूछोगी, आखरत में सख्त मुतालबा होगा। एक तो हमें अपने आमाल का जवाब देना है, एक अपने मातहतों का जवाब देना है, उसमें ये घर वाले आ गए तो आज हमारा अपना मामला बिगड़ा हुआ है। घर वालों का हिसाब किताब कैसे देंगे, उनसे मुतल्लिक क्या जवाब देंगे? इसलिए हर एक को सोचना है और इस किस्म की बेदलील बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और जो है तफरी गाहों में आजकल कितनी औरयानी है, कितनी बेहयाई के मनाजिर हैं, इसलिए इस किस्म की तफरी गाहों में तो जाना ही जायज़ है। यहाँ शरई हुदूद की रियायत मुमकिन ही नहीं कि जहाँ इस तरह बेहयाई हो, तफरी गाहों में कोई पर्दे का अहतमाम ना हो। तो कहते हैं ये फैमिली गार्डन है, यहाँ तो चले जाओ, फैमिलियों को इजाज़त है, आम आदमी को, एक मर्द को जाने की इजाज़त नहीं है, फैमिली गार्डन है लिहाजा यहाँ चले जाओ। भाई फैमिली गार्डन का मतलब तो यही हुआ कि हर आदमी अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, सब दो आदमियों की फैमिलियाँ हैं तो हर एक दूसरे के लिए ना महरम है, तो यहाँ पर्दे का अहतमाम कैसे मुमकिन है? बहुत सी औरतें ये सोचकर चली जाती हैं कि भाई यह तो फैमिली गार्डन है लिहाजा चलो यहाँ चलते हैं। हरगिज़ ऐसी जगह जाने की इजाज़त नहीं जहाँ बेहयाई का इम्कान हो, जहाँ शरीयत के खिलाफ अमल का इम्कान हो, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। तो जो औरतें बेचारी इस तरह चली जाती हैं उनके मर्दों की पकड़ होगी।
मर्द हजरात को बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता, वो तो अपनी दुकानें बंद करके 10-11 बजे घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि भाई आज थक कर आए, वे कहाँ गए थे, वे शाम को प्रोग्राम बन गया मोहल्ले वालों के साथ और हम चले गए, अभी अभी पहुंचे हैं 9 बजे, और मर्द को कोई परवाह ही नहीं। तो ये सब खतरे की बातें, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी भी इसलाह करें, अपने घर वालों की भी इसलाह करें। हत्तुल इम्कान गुनाहों से बचना है, गुनाहों के अंबार लेकर आखिरत में चले गए तो क्या बनेगा, कैसे खलासी होगी, वह एक एक अमल का हिसाब देना है। तो ये सख्त मामला है आखिरत की जवाबदही का, इसलिए ये आखिरी बुध के उन्वान से जो तफरी गाहें पर हुजूम बढ़ जाता है, यहाँ जाने से एहतियात करनी चाहिए इन मौक़ों पर खसूसी तौर पर। बाकी तफरी की शरई हद में रहते हुए जहाँ पर्दे का अहतमाम हो, जहाँ बेपर्दगी से बचना मुमकिन हो, वहाँ बच्चों को ले जाया जा सकता है, औरतों को ले जाया जा सकता है, उसके लिए उलमा से आदमी पूछ ले तो बहुत सी रियायतें मिल जाती हैं, हर एक के लिए मुख्तलिफ हुक्म होगा। तो बहरहाल ये एक बात थी जो रह गई पिछले हफ्तों में सफ़रुल मुजफ्फर के महीने से मुतल्लिक। अब इस महीने के भी आखिरी दिन हैं, देखिए 1433 हिजरी का आगाज़ हुआ, उसका पहला महीना मुहर्रमुल हराम गुजर गया, दूसरा महीना सफ़रुल मुजफ्फर ये भी ख़त्म होने को है, और अब रबीउल अव्वल आने वाला है। बहुत तेज़ी से ज़िंदगी के दिन गुजर रहे हैं, हम में से हर एक को अपने आखिरत की तैयारी में लगना है। और देखिए कितनी जल्दी जल्दी लोग रुखसत हो रहे हैं, कभी यहाँ से इतला आती है कि फलां चला गया, कभी यहाँ से इतला आती है कि फलां का इंतकाल हो गया, बहुत तेज़ी से वापसी हो रही है और दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, आमाल की इसलाह की तरफ ख्याल रखना चाहिए, और खुसूसन हुकूकुल इबाद के मामले पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। अहकामात मुआशरत और अहकामात मुआमलात का ज़्यादातर ताल्लुक हुकूकुल इबाद से। तो आज जो अहादीस मुबारक पढ़ी गई हैं, इनका ताल्लुक गसब से है। गसब के माना है किसी की चीज़ को बग़ैर इजाज़त ले लेना। देखिए किसी की चीज़ को कीमत देकर ले लेना, ये खरीद बे और शरा कहलाता है, ख़रीदना बेचना कहलाता है, तिजारत कहलाती है। कि आपके पास एक मोटरसाइकिल है, मैंने आपसे आपको पैसे दिए और आपसे वो मोटरसाइकिल ले ली, आपकी चीज़ थी मोटरसाइकिल, वो मैंने पैसे दिए और आपसे ले ली, ये बे का मामला हो गया, लेन देन हो गया, ख़रीद और फरोख्त हो गया, आपकी चीज़ मैंने ले ली और उसकी कीमत आपको अदा कर दी। आपकी मोटरसाइकिल है, मैं इसको ख़रीद नहीं रहा मगर ये चाहता हूँ कि एक दिन के लिए आप मुझे दे दें, इसका किराया ले लें, ये मामला किराएदारी का हो गया, ये भी जायज़, ख़रीद और फरोख्त का मामला भी जायज़, किराएदारी का मामला भी जायज़। आपकी मोटरसाइकिल है, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे थोड़ी देर के इस्तेमाल के लिए दे दो, किराया कोई नहीं, बस ऐसे ही ताल्लुक़ की वजह से आपकी चीज़ मैंने इस्तेमाल कर ली, आपकी इजाज़त से इस्तेमाल कर ली, ये आरियत कहलाती है। क्या आरियतन किसी की चीज़ को इस्तेमाल कर लेना, ये भी जायज़ है कि इजाज़त ली और उसकी चीज़ इस्तेमाल कर ली। और किसी की चीज़ उसकी इजाज़त के बग़ैर ले लेना, बग़ैर इजाज़त ले लेना, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी चीज़ इस्तेमाल कर लेना, उसको इतला ना करना, उससे इजाज़त ना लेना, ये गसब है और ये नाजायज़ है। पहले के तीन मामले जायज़ थे, ख़रीद और फरोख्त का मामला भी जायज़ था, किराएदारी का मामला भी जायज़ था, आरियतन यानी इजाज़त से किसी की चीज़ को इस्तेमाल कर लेना ये भी जायज़ था, और उन सब के अहकाम तफसील से सामने आए थे कि आरियत पर चीज़ लें तो खुद ही इस्तेमाल करें, दूसरे को देने की इजाज़त नहीं, खुद ही क्योंकि अपने लिए इजाज़त ली है दूसरे के लिए नहीं ली, तफसील से अहकाम सामने आए थे। अब किसी की चीज़ को उसकी इजाज़त के बग़ैर ज़बरदस्ती ले लेना,
या तो उसकी मौजूदगी में उससे जबरदस्ती ले लेना, या उसकी गैर मौजूदगी में उसको इतला किए बगैर उसकी चीज ले लेना, ये गसब में आता है। इसको गसब कहते हैं, बगैर इजाजत किसी की चीज को ले लेना कहते हैं। इसके बारे में सख्त वईदें आई हैं। पहली हदीस बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अखज़ मिनल अर्ज़ शैयन, जो शख्स किसी की जमीन में से थोड़ा सा टुकड़ा भी ले लेगा, शैयन थोड़ी सी थोड़ा सा हिस्सा ले लेगा किसी की जमीन का, बग़ैर हक ही नाहक तौर पर जबरदस्ती जबरन उससे उसकी जमीन ले लेगा, अपने रौब की वजह से, अपने ताल्लुकात की वजह से और अपने मर्तबे की वजह से किसी की जमीन दबा लेता है, ले लेता है, और दुनिया में तो बड़ा ही इतराता है कि मैंने दबा ली फलां की जमीन, क्या बिगाड़ लेगा मेरा, वो क्या कर लेगा, देखता हूँ कैसे लेता है मुझसे ये चीज, यहाँ बड़ा अकड़ता है। और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि कोई किसी की चीज ले ले ना हक, खुसीफा भी ही यौमल कयामा, तो कयामत के दिन उसको धंसाया जाएगा, इला सबई अर्जीन, सातों जमीन तक, सातों जमीनों तक उसको धंसा दिया जाएगा। रवाहुल बुखारी, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अब देखिए आज कितने झगड़े हैं जमीनों पर, कितने केस अदालतों में हैं, जाइए पता चल जाएगा कि जमीनों से मुतल्लिक कितने केस हैं, जायदादों से मुतल्लिक कितने केस चल रहे हैं। कितने लोग हमारे पास आते हैं फतवे लेने के लिए कि भाई आप ये फतवा दे दीजिए ताकि जायदाद में फलां का नाम आ जाए, फलां का नाम आ जाए, फलां हिस्सा नहीं दे रहा, फलां हिस्सा नहीं दे रहा। वजह यह है कि आज हमें मामलात की पता ही कि भाई किसी की जमीन दबा लेना, किसी की जमीन पे कब्जा कर लेना, किसी की जमीन पर जबरदस्ती जम के बैठ जाना। कितने किराएदार ऐसे हैं जो अपना किराया कोर्ट में जमा करा रहे हैं, साहिब मालिक को नहीं मिल रहा वो किराया, कोर्ट में जमा करा रहे हैं और कह रहे हैं केस कर दिया, चलता रहेगा मामला, मेरी तो दुकान चल रही है, उसको देख लेंगे, भले 10 साल लगे 20 साल लगे, लटका दिया हमने तो। ये हदीस ऐसे लोगों के लिए है, कम भी है। मालिक मकान, मालिक दुकान अपनी दुकान खाली कराना चाहता है, ठीक है उसकी चीज है, हमें वापस देनी, और ये कहता है नहीं। तो अब ये जो जबरन बैठा हुआ है ये गसब है, ये नाजायज बैठा हुआ, ये समझ रहा है मैं तो किराया जमा करा रहा हूं और बेफिक्र है, मुतमईन है, इसकी सख्त पकड़ होगी आखिरत में। देखिए सातों जमीनों में धंसाया जाएगा कयामत के दिन, यहाँ तो खुश है, यहाँ तो जमीन के ऊपर चल रहा है, कड़ रहा है कि मालिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्या कर लेगा मालिक मेरा, किराया मैं दुकान जमा करा रहा हूँ कोर्ट में, यूं समझ रहा है कि किराया अदा करके गोया मैं हक अदा कर रहा हूँ, नहीं हक तलफी कर रहा है, मालिक की रजामंदी के बगैर उसकी दुकान में बैठा हुआ है, उसके मकान में बैठा हुआ है, जबरन बैठा हुआ है, ना हक बैठा हुआ है। वो कहता है मेरा हक है, मैंने 20 साल यहाँ गुजार दिए तो अब मेरा हक बन गया। भाई 20 साल आपने गुजारे, आपने किराया दिया, उससे नफा उठाया, ठीक है 20 साल या 25 साल 1000 साल आप रहें, आपकी चीज़ नहीं है, आपको वापस करनी है। मगर देखिए ये हमारे सामने अहादीस मुबारक नहीं है, हुजूर के फरमान नहीं है, लिहाजा दीनदार आदमी भी बेचारे परेशान होकर इस किस्म के मामले का इर्तिकाब कर जाते हैं कि भाई क्या करें, अब हमारा रोजगार है, ये है, वो है। अरे भाई रोजगार तो अल्लाह ताला ने तकसीम किया है, हर एक को मिलेगा। अभी ये दुकान थी, अभी इसने खाली करा ली, अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह अपने गैब से दूसरी जगह दे देगा, अल्लाह के खजाने में क्या कमी है। मगर किसी का हक दबा लेना ये जायज है। तो ये जो फरमाया कि जो किसी का ना हक जमीन को दबा ले, उसमें एक सूरत तो ये है, और किसी की चीज को ना हक ले लेना,
यानी नक्शा बनाया और 2-4 इंच अपनी तरफ बढ़ा लिए, तो समझ रहा है 2-4 इंच तो है, क्या क्या फर्क पड़ता है, बराबर वाले को पता थोड़ी चल रहा है। दबा ली, इमारत बना ली, बेफिक्र हो गया, और उसको भी पता नहीं है, तो दुनिया में तो गुजर गई गुजर गई। आखिर में जाके पता चलेगा कि ये 4 इंच रोके थे, इसका क्या वबाल है, इतना सख्त मामला है कि सातों जमीनों में धंसाया जाएगा। थोड़ी सी जमीन, थोड़ा सा हिस्सा, 1 इंच भी ले लिया किसी का, तो एक तो ये जायदाद के एतबार से कितने लोग हैं। कई दफा ये मजमून सामने आया कि मीरास तकसीम नहीं करते, तो गोया वो भी एक तरह का गसब किए हुए कि ना हक दूसरे के हक को खा रहे हैं, और सामने वाला बाज़ औक़ात मुतालबा कर रहा होता है, बाज़ औक़ात मुरव्वत में खामोश होता है, तो ये भी गसब के अंदर आ गया। इसी तरीके से दुकान के आगे बहुत सी जगह को घेर लेना, देखिए शरीयत का हुक्म यह है कि दुकान के आगे थोड़ी सी जगह, ये तो दुकानदार का हक है, और इतनी जगह घेरना दुकान के आगे कि जिससे गुजरने वालों को तकलीफ होने लगे, तो फिर ये जो जगह इसने गुजरने वालों के हक की ले ली, ये गसब है। दुकानदार समझता है तो मेरा हक है, नहीं ये तो गसब है। उस दुकानदार को जितना हक था इतनी जगह ले लेता, उससे जो ज्यादा इसने आगे तक सामान बढ़ा के रखा, और ये समझ रहा है कि इस तरह मैं सामान बढ़ा के रखूंगा मेरी दुकानदारी ज्यादा चलेगी, जब शरीयत का हुक्म तोड़कर कमाने की कोशिश करेगा तो जाहिर में नजर आएगा बढ़ता हुआ, हकीकत में वो बढ़ता हुआ नहीं होगा, वो वरम वाला जिस्म है गोया कि एक आदमी को वरम हो गया, उसके जिस्म पर सारा जिस्म फूल गया। एक आदमी दूर से देखता कहता पहलवान है, वो पहलवान नहीं है, वो तो उसका तो जिस्म दर्द से भरा हुआ है, दुखन का शिकार है। तो ये जो बढ़ा हुआ रिस्क नजर आ रहा है वो हकीकत में बीमारी है, आखिरत में पकड़ का सबब है, उसमें बरकत नहीं होगी कि इसने गुजरने वालों के हक को मारा है। तो हर एक अपना अपना जायजा ले ले कि हम कितनी लोगों की हक को गसब किए बैठे, कि वो आम जगह बाजार लोगों के गुजरने की जगह है और हम उस पर अपना हक जमा के बैठ गए। जितना थोड़ा बहुत तो आगे की गुंजाइश है, बहुत ज्यादा रोक लिया कि गुजरने वालों को तकलीफ होने लगे, इसकी इजाजत नहीं है। और वो रोकना चाहे दुकान के एतबार से हो, चाहे घर के एतबार से हो, बहुत से लोग जो है वो घर के आगे का हिस्सा रोक कर वहां अपनी बाथरूम बना लेते हैं, और जो है गली बिल्कुल सुकड़ जाती है, अब वहां से गाड़ियां निकलना भी मुश्किल, तो ये जायज नहीं है। बहुत से मस्जिद वाले रोक लेते, और मस्जिद वाले मस्जिद की इंतजामिया तो बेचारे मुखलिस होते हैं, वो तो यूं समझते हैं कि हम मस्जिद का फायदा कर रहे हैं, नमाजियों का भला कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि अपना कितना बुरा कर रहे हैं कि गुजरने वालों की जगह पे कब्जा कर लिया, गसब कर लिया। तो गसब की इजाजत मस्जिद वालों को भी नहीं है, आवाम को भी नहीं है, मस्जिद वालों को भी नहीं है। इसी तरीके से गसब का हुक्म सिर्फ ये जगहों के गसब करने पर नहीं आता, किसी की चीज उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल कर लेना ये भी गसब के अंदर आ जाता है। इजाजत है नहीं, और जो है हमें पता है कि ये दुकानदार अपनी चीज हमें इस्तेमाल के लिए नहीं देता, मगर हम जबरन उसकी चीज लेकर चले गए, और कुछ उसने कहा तो और से सुना दिया कि अरे भाई इतनी सी चीज अगर ले गए तो क्या हो गया, ये गसब है। यानी जब पता है कि ये दुकानदार कलम भी नहीं देता हमें, और जो है मांगते हैं तो देता नहीं, कैलकुलेटर भी नहीं देता, हमें पता है कि ये देगा नहीं, हम गए सामने रखा हुआ था उठा कर लिया अपनी दुकान पे, या तो उसको पता नहीं था इसलिए उठा कर ले आए, या वो देखता रह गया और जबर मुरवतन कुछ कहा नहीं, तो ये भी गसब है।
ये भी शरण जायज नहीं है। कितने लोग हैं इस तरह कर लेते हैं और इसको कोई गुनाह ही नहीं समझा जाता, कहते हैं ये तो चलता है। नहीं भाई, हमें तो ये देखना है कि शरीयत का हुक्म इस मामले में क्या है। हम हर मामले में पाबंद हैं, हर अमल हर हरकत में पाबंद हैं, आजाद नहीं है कि जैसे चाहे जो चाहे कर लिया, जिस तरह चाहे कर लिया, इसकी इजाजत नहीं है कि जैसे चाहे जो चाहे कर लिया। कारीगर है, दूसरे कारीगर का औजार उठा के इस्तेमाल में लिया है, अरे भाई उससे इजाजत लो और ये देखो कि वो वाकई ही इजाजत देता है या मुरव्वतन दे रहा है। बास कारीगर अपनी अपने औजार किसी को देते हुए झिझकते हैं, इसलिए कि वो समझते हैं कि मेरे हाथ से सेठ है और अगर दूसरे ने इस्तेमाल किया तो इसमें कुछ खराबी हो जाएगी, फिर दूसरा औजार मेरे हाथ से सेठ होगा नहीं। कितने कारीगर होते हैं ऐसे, तो वो ये पसंद नहीं करते कि दूसरा कारीगर मेरा औजार इस्तेमाल करे, मगर यहाँ कारीगर एक दूसरे की इजाज़त के बगैर उठा लेंगे और इस्तेमाल कर जाएंगे और सामने वाला कुछ कहेगा तो इसको उल्टा और सुना देंगे कि यार किसी से को खा थोड़ी जा रहा हूँ, फिर चीज़ को खा रहा हूँ क्या, बस थोड़ा सा इस्तेमाल करके दे दिया, इसमें क्या हरज है। नहीं, ये भी गसब का गुनाह होगा, नाजायज है। ये छोटी सी बात नहीं है, ये आखिरत के एतबार से बहुत बड़ी बात है। और किसी की चीज़ उसकी रजा के बगैर लेना जायज नहीं है, गसब है। और ये हुकूकुल इबाद के एतबार से अहकामात हैं और इसके लिए वाजिब था कि इजाज़त लेता। जैसे नमाज के अहकामात में कुछ वाजिबात होते हैं, ऐसे ही ये हुकूकुल इबाद और मुआमलात के एतबार से इस पर वाजिब था कि इजाज़त लेता, और ये भी लाजिम था कि वो इजाज़त दिल से दे रहा है या मुरव्वतन दे रहा है, मजबूरी में दे रहा है, या इसलिए दे रहा है कि यार मैं इससे काम पड़ता रहता है इसलिए यार इसे दे दो। तो हमें पता है कि ये इसको ये बात पसंद नहीं है, मगर चूंकि मैं इसके बहुत काम आता हूँ लिहाजा मैं तो इसकी चीज़ ले लूँगा, मुझे थोड़ी मना कर सकता है, मना करेगा तो फिर इसके काम नहीं आऊँगा। तो गोया कि हम अपने काम की उजरत ले रहे हैं, हालांकि एहसान का कोई इवज नहीं है। एहसान वो तो अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है, और हदीस में है कि एहसान करके जताओ नहीं, कि अपने एहसान को जता कर उसके सवाब को जाया ना करो। ला तुबतिलु आमालकुम बिल मन्नी वल अज़ा, अपने नेक आमाल जो किसी पर तुमने हुस्ने सलूक किया तो उसको जाया ना करो अजियत देकर और एहसान जतला कर, कि देख मैंने तो फलाते मौके पर तेरा ये काम कर दिया और मैं तेरे से किसी चीज़ मांग रहा हूँ तू देता ही नहीं। फिर वो जो आपने किया था वो एक अमल अल्लाह की रजा के लिए किया था, इसका इवज लेने के लिए थोड़ी किया था, और इवज ले लिया तो आपने अपनी उस नेकी को जाया कर दिया। एक तो नेकी जाया कर दी और दूसरा उसकी चीज चूंकि उसकी दिल की रजा के बगैर इस्तेमाल की, ये गसब का गुना भी लिया। एक एक ही तीर में दो नुकसान कर लिए, कि नेकी को भी जाया कर दिया जो उस कारीगर की उस दिन मदद कर दी थी, एक नेकी की थी, और आज उसकी चीज इस्तेमाल उसकी इजाजत के बगैर करके अपनी नेकी को जाया कर दिया और गसब का गुना भी अपने सर ले लिया। देखिए तो हर मामले में आदमी को मोहतात रहना है, खुसूसन दूसरों की चीज़ों के इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात करें। हत्तुल इम्कान कोशिश ये हो कि हम दूसरे की चीज़ ना लें, जज्बा ये हो कि मेरी चीज़ें दूसरे खूब इस्तेमाल करें, मेरी ज़ात से लोगों को खूब राहत पहुँचे, खूब फ़ायदा पहुँचे। वो मोमिन बहुत बेहतर है जो दूसरे मोमिन के दिल में सुरूर पहुँचाता है। इल्का सुरूर फी कल्बिल मोमिन, मोमिन के दिल में खुशी पहुंचाना, मसरत पहुंचा देना, ये बहुत बड़ी नेकी है। तो आदमी की कोशिश ये हो कि मेरी जात से दूसरों को राहत पहुंचे, दूसरों को सुरूर पहुंचे, दूसरे मेरे साथ क्या कर रहे हैं वो ना सोचे, वो सोचेगा कि मैं इतनी नेकियां करता हूँ, इतनी दूसरों के साथ जो है खुश अखलाकी करता हूँ, दूसरे मेरे साथ ऐसे करते हैं, ये सोच के अपनी नेकियां जाया करता है वो। तो गोया कि इसने नेकी तो दूसरे से बदला लेने के लिए की थी, रजा इलाही के लिए नहीं की थी, तो नेकी जाया हो गई। ये नेकियों को देखिए, शैतान हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है,
अव्वल तो नेकी नहीं करने देता, किसी के साथ हुस्न सुलूक नहीं करने देता, किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करने देता। और आदमी ने कर लिया तो अब शैतान की कोशिश होती है कि इसके इस हुस्न सुलूक को मैं ज़ाया करूँ। और किस तरह ज़ाया करूँ? एहसान जतला कर या उसकी चीज़ दूसरे मौके पर बगैर इजाज़त इस्तेमाल करके। गसब का गुनाह सर पे आ गया और नेकी भी ज़ाया हो गई, क्योंकि ये इस गुमान से ये चीज़ उठा रहा है कि मैंने इसके साथ फलां एहसान किया था तो अब मैं इसकी चीज़ इस्तेमाल कर लूँ तो क्या हरज है, मैं भी इसके काम आता हूँ, ये मेरे काम आए। तो भाई मामलात की सफाई ये बहुत ज़रूरी है। तो किसी की चीज़ इस्तेमाल करना इसमें बहुत एहतियात हो, और बिला इजाज़त इस्तेमाल कर ली तो गसब का गुना और इतना सख्त गुना। देखिए कि जो किसी की ज़मीन, यहाँ तो ज़मीन का लफ्ज़ है और मफहूम वसी है कि कोई चीज़ गसब करेगा तो क़यामत के दिन सातों ज़मीनों में धसाया जाएगा, नीचे तक धसता चला जाएगा। बहुत सख्त सज़ा है ये धसना ज़मीन के अंदर। तो ये पहली हदीस गसब से मुतल्लिक, बुखारी शरीफ में इसके ज़ेल में एक किस्सा लिखा है। हज़रत सईद इबन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ये अशराए मुबशरा के सहाबा में शामिल हैं, जिन 10 सहाबा को हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में जन्नत की बशारत दी थी, उनमें से एक हज़रत सईद इबन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला भी बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी थे। और इनके वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए, मगर हुजूर से पहले ही ये इनके वालिद हज़रत ज़ैद जो है वो मुवाहिद थे, पक्के तौहीद परस्त थे। और जो है ये मुल्क शाम गए हज़रत ज़ैद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत मुबारक से पहले ही इनके दिल में तौहीद की शमा रोशन थी। तो ये यहूदियों के आलिम के पास गए कि भाई मैं तुम्हारा दीन कबूल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई हमारे दीन अब काबिल एतबार नहीं रहा, अब तो मिल्लत इब्राहिमी जो है वो सच्चा दीन है। ये ईसाइयों के पास चले गए, वो भी कोई अच्छे राही उनके आलिम मिल गए, उन्होंने कहा भाई हमारा दीन भी अब तकरीबन मनसूख है, मिल्लत इब्राहिमी अब असल दीन है। तो फिर ये मिल्लत इब्राहिमी पर कायम रहे और अल्लाह ताला से दुआएं करते थे। और एक अजीब नेकी का जज्बा इनके दिल में था कि जो मुशरिकीन अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे तो ये क्या करते थे कि जिसके घर बच्ची पैदा होती, अब मालूम था कि ये तो दफन करेगा, उसके पास पहुंच जाते, कहते भाई ये मुझे दे दे बच्ची और इसके बेवज़ में पैसे ले ले मुझसे, मेरी कफालत में दे दे, मैं इसको बड़ा करूँगा। फिर वो बच्ची को बड़ा करते, बच्ची जवान हो जाती तो इसके बाप को कहते हैं कि भाई तुझे चाहिए तो तू ले ले, तो इसकी शादी करा दे वरना मैं करा दूंगा, ये मेरी कफालत में रहे। यानी इतनी बड़ी नेकी का काम अंजाम देते थे उस हज़रत ज़ैद। एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त दावा नबूवत नहीं फरमाया था, दावा नबूवत नहीं फरमाया था, नबूवत से पहले का किस्सा कि हुजूर के साथ एक जगह गए तो लोगों ने बुतों के नाम पर कोई चीज़ ज़िबा की हुई थी और हुजूर की दावत की, ये भी साथ थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमा दिया कि भाई मैं बुतों के नाम का ज़िबा शुदा नहीं खाता। तो इन्होंने फरमाया कि मैं भी नहीं खाता, मैं भी ऐसा खाना नहीं खाऊँगा जो अल्लाह के गैर के लिए ज़िबा किया गया हो। तो हुजूर ने दावत रद्द फरमाई, इन्होंने भी दावत रद्द फरमाई, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेअसत का ऐलान फरमाया, नबूवत का ऐलान फरमाया, उस वक़्त ये दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इनके बेटे हज़रत ज़ैद सईद ये मुसलमान हो गए और हिजरत फरमाई। और ग़ज़वाए बदर के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ग़ज़वाए बदर हुआ नहीं था क्योंकि ग़ज़वाए बदर तो अचानक पेश आया, एक इत्तेफाकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के काफिले के ताक़ुब में निकले थे। तो हज़रत सईद इब्ने ज़ैद को और चंद सहाबा को भेजा था कि देखो काफिला जा किस तरफ से रहा है, फिर आकर इतला देना कि कहाँ से जा रहा है, किस तरफ से जा रहा है। इन लोगों को भेजा था, अब ये वापस आए नहीं थे कि ग़ज़वा बदर हो गया और जो है ये भी मदीने पहुँचे और फातिहीन बदर भी मदीने पहुँचे।
साथ साथ पहुंचे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वाए बदर की फतूहात में माल गनीमत में इनको भी हिस्सा दिया, हालांकि ये बनफ्से नफीस शरीक नहीं थे, मगर चूंकि हुजूर ने इनकी तश्कील की थी काफिले के ताकुब में और ये आगे थे काफिले के ताकुब में, ये दूर तक काफिले के पीछे चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी जानिब से थे 313 जानिसारों के साथ, और फिर वो कुफ्फार का लश्कर आ गया। बदर के मकाम पर गज़वाए बदर हुआ, मुसलमानों को फतह मुबीन मिली और फिर ये वापस आए। तो ये इतने ऊंचे दर्जे के सहाबी थे, हज़रत सईद इबन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अशरा मुबशरा के सहाबी हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला का दौरे हुकूमत था, तो एक औरत ने दावा किया कि हज़रत सईद ने मेरी ज़मीन दबा ली है, हज़रत सईद ने मेरी ज़मीन दबा ली है। उस ज़माने का हाकिम मुल्क शाम का गवर्नर मरवान इबन हकम था, बुलाया हज़रत सईद को कि भाई ये औरत का दावा है कि तुमने ज़मीन दबा ली है। तो फरमाया कि मैं इसकी ज़मीन दबाऊँगा, मैंने तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमान सुना है कि जो किसी की थोड़ी सी ज़मीन दबा लेगा तो क़यामत के दिन 7 ज़मीनों में धंसाया जाएगा, मैंने तो ज़बान नबूवत से ये कलमे सुने, तो क्या मैं इसकी ज़मीन को दबाऊँगा। बड़ा उनको दुख हुआ, बड़ा सदमा हुआ कि इस औरत ने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। फिर बद्दुआ फरमा दी औरत के लिए कि या अल्लाह, अगर ये झूठी है तो इसे इसकी आँखों की रोशनी ले ले और इसकी ज़मीन को इसकी कब्र बना दे। तो कुछ अरसा गुजरा कि वो औरत नाबीना हो गई, और कुछ अरसे बाद ये अपनी ज़मीन में चल रही थी कि ठोकर खाई और वहीं गिर गई। ऐसे मुस्तजाबुद दावात थे ये सहाबी। तो देखिए ये भी ये हदीस रिवायत करते हैं कि जो किसी की ज़मीन को गसब कर ले तो कयामत के दिन 7 ज़मीनों में धंसाया जाएगा, और झूठा इल्ज़ाम जब लगा दिया तो ऐसा इनको सदमा हुआ कि बेसाख्ता बद्दुआ निकल गई। तो देखिए अव्वल तो किसी की ज़मीन दबानी नहीं है, किसी का हक गसब नहीं करना, ऐसा ना हो कि जिसका हक गसब किया हो या किसी पर झूठा इल्ज़ाम झूठा दावा कर दिया और उसकी बद्दुआ लग जाए, जैसे कि उसने झूठा दावा किया औरत ने, हज़रत सईद की बद्दुआ लग गई। तो बहरहाल ये किस्सा बुखारी शरीफ में इस तरह लिखा है इसी हदीस के ज़ेल में। अगली रिवायत हज़रत इमरान इबन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि अन्नहु काला मन इंतहब नुहबतन, जो किसी की चीज़ को छीन ले, ज़बरदस्ती उससे छीन ले, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। रवाहु तिर्मिज़ी, ये तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। देखिए कि आज कितने चोरी और छीनने के वाकयात हो रहे हैं, ये सब बेचारे मुसलमान ही हैं, मुसलमानों की बस्तियां हैं, ये मुसलमान नौजवान हैं, इन बेचारों के सामने हुजूर का ये फरमान ही नहीं आया कि आए पिस्तौल दिखाई मोबाइल छीन के ले गए, गाड़ी छीन के ले गए। हुजूर फरमाते हैं ये हम में से नहीं है। जब हुजूर की उम्मत से ही निकल गए तो अब इनका बनेगा क्या बेचारों का, दुनिया का थोड़ा सा माल लेकर ये अपनी कितनी बड़ी आखिरत का नुकसान कर रहे हैं। हुजूर फरमा रहे हैं ये हम में से नहीं है, अब मुसलमान भी हैं और हुजूर फरमा रहे हैं ये हमारे नहीं। तो देखिए कितनी सख्त वईद, कितना सख्त मामला। अब इन बेचारों तक ये पैगाम कौन पहुंचाएगा? और चूंकि ये अहादीस के मुजाकरे आपस में सुनने सुनाना ख़त्म हुआ तो यहाँ तक नौबत पहुँची कि मुसलमान इस हाल को पहुँचा कि आज हर मुसलमान नौजवान ये काम करने के लिए तैयार है कि बस ये मुफ्त में माल मिल जाता है, आसान है माल हासिल करना, कोई ऐब ही नहीं, कोई बुराई नहीं। इतना सख्त मामला है कि हुजूर फरमाते हैं कि वह हम में से नहीं है किसी की कोई चीज़ छीनने वाला। कितने लोग हैं, किस तरह छीन रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। अगली रिवायत हज़रत साहिब इब्ने यजीद अपने वालिद हज़रत यजीद से रिवायत करते हैं
वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि ला याखुज़ु अहदुकुम असा अखीही लाइबन जादन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स अपने भाई का असा मजाक में भी ना ले और हकीकत में भी ना ले। असा लाठी, देखिए कितने छोटी सी चीज़ होती है, लाठी या छड़ी आदमी साथ रखता है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो मजाक में भी ना छुपाए किसी की। बाज़ औक़ात आदमी छोटी सी चीज़ किसी की छुपा देता है मजाक में, जूते छुपा दिए, और शादी ब्याहों के मौके पर जूते छुपाई की मुस्तकिल रस्म होती है। देखिए अल्लाह के रसूल इस अमल से मना फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ ये एक अहम रस्म बन गई, बड़ा बल्कि बड़ी ही इसको अहमियत दी जाने लगी कि भाई ये जूते छुपाई की रस्म होगी, इतने पैसे मिलेंगे तो फिर जो है ये जूते मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। और धड़ले से ये रस्म होती है जूता छुपाई की रस्म। ये रस्म कई गुनाहों का मजमुआ है, ये रस्म कई गुनाहों का मजमुआ है। एक तो इस हदीस के खिलाफ हो गया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं किसी का कोई छोटे असा भी ना छुपाओ, मजाक में भी ना छुपाओ, और यहाँ यह है कि यह छुपाया जा रहा है, इस हदीस मुबारक की नाफरमानी का गुनाह मिलेगा। दूसरा ये कि बेपर्दगी, कि बहनोई ये जो दूल्हा आया है आमतौर पर उसकी सालियाँ छुपाती हैं, तो ये बहनोई ना महरम है, सालियों का पर्दा था और सालियों को उनसे मजाक करना जायज़ ही नहीं था, मगर ना बाप को परवाह है, ना भाई को परवाह है, ना किसी रिश्तेदार को इसकी परवाह है कि इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी बेहयाई वो हो रही है और इसे मजाक में टाला जा रहा है, इसको अहमियत ही नहीं दी जा रही कोई कि इतनी सख्त गुनाह का काम हम कर रहे हैं, हमें परवाह ही नहीं। फिर कहते हैं कि ये रिश्ते क्यों टूट गए, पता नहीं किसने जादू करा दिया कि जो है कुछ अरसे बाद ही जो है लड़ाई झगड़े हो गए और तलाकें हो गई, पता नहीं क्यों, किसकी जो है कौन जादू करा रहा है, किसने काला करा दिया, और क्या कौन हमारे पीछे पड़ गया। भाई कौन क्या पीछे पड़ा, इतनी बड़े गुनाहों के इर्तिकाब तो हमने शादियों में किए, कई कबाइर के मजमुए हमने शादियों में कर लिए, अभी तलाक हुई तो हम रो रहे हैं कि पता नहीं किसने जादू करा दिया, जादू तो हमने खुद किया अपने ऊपर, गुनाहों का जादू। तो ये जूता छुपाई की रस्म ये भी गुनाह कबीरा है। ये तो हम समझते ये तो मजाक है, ये तो भाई बच्चे हैं कर रहे हैं क्या हो गया, और भाई ये दीन में इतनी छोटी छोटी बातों की तरफ थोड़ी होता है, ये तो बस ऐसी बनाई हुई बातें हैं, ये मजाक है, इस मजाक में तो चलता है, सभी चलता है, बच्चे हैं ठीक है 500,000 रुपये दे देगा तो क्या हो गया, खुश हो जाएंगे बच्चों का दिल खुश हो जाएगा। नहीं, आगे हदीस आ रही है, अगली हदीस वो भी इसी से मुतल्लिक है कि किसी का माल उसकी दिल की रजामंदी के बगैर हलाल ही नहीं, जायज़ ही नहीं, तो अब वो जो ज़बरदस्ती पैसे दे रहा है जूते लेने के लिए, रस्मन रिवाजन तकल्लुफन तसन्नुअन बनावटन, ये जो पैसे दे रहा है ये लेना ही जायज़ नहीं, यह ही हलाल नहीं, और उन्होंने खुद ले लिया उससे हलाल है हमारे लिए, वो नाजायज़ है, लेना नाजायज़, जूता छुपाना नाजायज़, और इस तरह की बेहयाई हुई, बेपर्दगी हुई, ये नाजायज़, हुजूर के फरमान के खिलाफ ये काम हुआ, ये नाजायज़, इतने सारे गुनाह एक अमल में हो गए और सब इस पर खुश हैं, अल्लाह माफ़ करे कि गुनाह पे भी सब खुश हैं। पहले कम से कम गुनाह को गुनाह तो समझा जाता था, यानी अगर किसी ने शादी में नाच गाने कर लिए तो कम से कम गुनाह तो करते, गुनाह तो समझते थे कि हाँ भाई है तो गुनाह, बस अब अल्लाह माफ़ करे, और इस जूता छुपाई की रस्म को तो गुनाह समझते ही नहीं, हालांकि कई गुनाहों का मजमुआ है ये, और दीनदार घरानों में भी होती है, और हर एक इसको मजाक समझ के समझता है ये तो मजाक की चीज़ है, इसका शरीयत से इसमें शरीयत की क्या रहनुमाई होगी। देखिए हुजूर का फरमान कि कोई अपने भाई के असा को मजाक में भी ना ले और हकीकत में भी ना ले, उसकी इजाज़त के बगैर हकीकत में भी ना ले, छोटी सी चीज़ थी असा, छड़ी लाठी, कोई अहमियत की तो चीज़ होती नहीं कि भाई कोई इसके बगैर आदमी को बस नहीं चलेगा और आदमी के लिए चलना दुश्वार हो जाएगा। उस जमाने में लाठी और असा रखना आम रिवाज था कि साथ रख लेते थे, कुछ अरसे पहले अपने यहाँ भी होता था कि लोग रखते थे ये असा साथ। तो इतनी छोटी चीज़ के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजाक में भी ना लो,
कि इससे अजियत पहुंचेगी सामने वाले को और हकीकत में भी ना लो। और फरमाया कि फमन अखज़ आसाखी, जो अपने भाई का आसा ले ले, फल यरुद्दुहा अलैही, उसको चाहिए कि वापस दे दे उसको। देखिए तो ये शरीयत का हुक्म हमारे सामने आया। तो हंसी मजाक में भी किसी की कोई चीज़ उठानी नहीं चाहिए कि उसको अजियत पहुंचे, उसको तकलीफ हो बेचारे को। हमारे दीन में ऐसे मजाक की इजाज़त ही नहीं है जिसमें किसी को अजियत पहुंचे, किसी को तकलीफ पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजाक फरमाया, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजाक के अंदर भी शरीयत के अहकामात छुपे हुए। और ऐसा मजाक फरमाया जिसमें कोई झूठ नहीं, कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बयानी नहीं, सच्ची बात कही। एक सहाबी को फरमाया, ए दो कान वाले, या साहिबल उज़ुनैन, ए दो कान वाले, ये पुकारा। अब देखिए मजाक का मजाक और हकीकत की हकीकत कि वाकई हर आदमी दो कान वाला होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सबक मिलते हैं। एक छोटा सा बच्चा, उसके पास जो है एक चुड़िया थी, वो चुड़िया मर गई तो बड़ा अफसरदा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि या अबा उमेर मा फालन नुगैर, ए उमेर के अब्बा, तेरी चुड़िया का क्या हुआ? इस एक हदीस से मुहद्दिसीन ने तकरीबन 100 मसले निकाले। एक हदीस, हुजूर का एक मजाक, उससे 100 मसले निकल रहे तकरीबन। इस एक हदीस से 100 मसले मुस्तंबत फरमा लिए फुकाए किराम ने, मुहद्दिसीन इज़ाम ने। एक ये मसला भी निकाला इसी से कि छोटे बच्चे की कुनियत रख सकते हैं। अब उमेर छोटा सा बच्चा था, ये 10-12 साल का, ज़्यादा बड़ी उम्र के नहीं थे, ये छोटे से बच्चे थे। मगर इनको फरमाया, या अबा उमेर, ए उमेर के अब्बा, मा फ़अला नुगैर, तुम्हारी चुड़िया का क्या हुआ? और ये मसला भी निकाला कि कभी बतौरे अज़राह तफन्नुन अगर हम काफिया कलाम बोल दिया जाए जिससे मजलिस में ज़रा मजाक की कैफियत पैदा हो जाए तो जायज़ है। तो देखिए हम काफिया लफ्ज़ जुमले इरशाद फरमाए, या अबा उमेर मा फ़अला नुगैर, उमेर और नुगैर हम काफिया हैं। तो अगर ऐसा जुमले कभी बोल लिए जाएं कि जो वज़न में एक हो और थोड़े से मजाक की कैफियत बने तो ठीक है, बात सच्ची हो झूठी ना हो। और पूछा उससे, तबीयत पूछी कि भाई तुम्हारी चुड़िया कहाँ गई, क्या हुआ तुम्हारी चुड़िया को? तो मालूम हुआ कि बच्चों से ऐसे मजाया जुमले कह लेने चाहिए जिससे बच्चों का दिल बढ़े, बच्चों से ऐसा मजाक का अंदाज इख्तियार कर लेना चाहिए जिससे बच्चों की हौसला अफजाई हो। तो बच्चों से देखे हुजूर ने बच्चों जैसा सवाल किया कि अरे वो तुम्हारी चिड़िया का क्या हुआ, कहाँ गई तुम्हारी चिड़िया? तो इस तरह तकरीबन 100 मसले हुजूर के एक मजाक से निकाले मुहद्दिसीन। तो हमारे दीन में तो मजाक करने की भी हुदूद मुतय्यन है, हुदूद से तजावुज करने की इजाजत ही नहीं है। और इतना खुश्क दीन भी नहीं है कि मजाक को बिल्कुल बंद मना कर दिया, मजाक की भी इजाजत दी और उसकी हदबंदी भी कर दी कि भाई इस हद तक तो ठीक है, इससे आगे जायज नहीं। आज हम अपने मजाकों को देख लें कि जो हम मजाक करते हैं उसमें कितना हद से तजावुज कर जाते हैं। किसी की दिल शिकनी, किसी की बेइज्जती, किसी की हकारत, किसी की क्या तमस्खुर, किसी का मजाक उड़ा देना, किसी को अजियत पहुंचा देना, किसी का दिल तोड़ देना। हमारे हम कहते हैं तो मजाक कर रहा था, सामने वाले का दिल टूट के रह गया, सामने वाले की बेइज्जती कर दी और कहते मैं तो मजाक कर रहा था यार, इसमें क्या, तुम तो नाराज हो गए। अरे भाई चार आदमियों के सामने तुमने उसको जो है बेचारे को बेइज्जत किया, आप कहते मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे मजाक की इजाज़त ही नहीं थी। तो कैसे इस चीज़ों को हम आम समझते हैं कि आखिरत में इसका हिसाब देना पड़ेगा, हमारी नेकियां वो ले लेगा जिसका हमने मजाक उड़ा दिया और बाद में एक जुमला उसको ये कह दिया मैं तो मजाक कर रहा था यार तू नाराज क्यों होता है, चार आदमियों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी, हमारे मजाया जुमले ने उसकी बेइज्जती की और उसका दिल टूटा, उसको तकलीफ पहुंची और हमने ना उससे माफ़ी मांगी। माफ़ी भी फिर चार आदमियों के सामने ही हमें मांगनी है, माफ़ी तो हम अगर मांगेगी भी तो तन्हाई में मांगेंगे या माफ़ कर देना, वो भी रस्मी मांगेंगे। भाई चार आदमियों के सामने बेइज्जती की, चार आदमियों के सामने फिर इसके वजाहत करो कि भाई
बात यह है कि मैं मजाक कर रहा था, इसके बाद इसके मामला ऐसा नहीं था, और आप इसकी बेइज्जती ना समझना, ये कि मेरी कोताही है, मुझे माफ़ करना। तो चार आदमियों के सामने फिर इसको अपने अपनी गर्दन पे ले, तो वो आदमी आमतौर पर मजाक कर जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा दीनदार है तो तन्हाई में जाके उससे माफ़ी मांग लेगा। तो चार आदमियों के सामने जो इसकी बेइज्जती हुई, वो उसकी तो तलाफी हुई नहीं, उसकी तलाफी फिर आखिरत में नेकियां देकर देनी पड़ेगी, और क्या, और नेकियां नहीं होंगी तो उसके गुनाह सर लेने पड़ेंगे, सख्त मामला है। तो मजाक की भी इजाज़त है, मगर हद बंदी है कि इस हद तक मजाक कर सकते हैं, इससे आगे मजाक नहीं कर सकते। तो हुजूर ने फरमाया, किसी के आस्था मजाक में भी ना छुपाओ, किसी की छड़ी, किसी की लाठी मजाक में भी ना छुपाओ, या मोटरसाइकिल पूरी छुपा देते हैं किसी की, और वो बेचारा परेशान हो गया, क्या करूं, कहाँ है कहाँ नहीं है, और वो बेचारा अजियत में मुब्तला है। बाज़ औक़ात ऐसा मजाक आदमी कर जाता है कि सामने वाले को बड़ी तकलीफ हो जाती है, बाज़ औक़ात आदमी बीमार हो जाता है, मजाक में कह दिया कि तुम्हारी गाड़ी का हादसा हो गया, सामने वाला परेशान, तो कहते नहीं मैं तो मजाक कर रहा था भाई, ऐसी कोई बात नहीं, सामने वाले का दिल परेशान। तो इस किस्म के मजाक की हमारी शरीयत में इजाज़त नहीं है कि जिससे सामने वाला तकलीफ में आ जाए, मशक्कत में आ जाए, उसका दिल परेशान हो जाए। अप्रैल फूल के उनवान से कितने मजाक बनाए किए जाते हैं, या अप्रैल की पहली तारीख को, सब नाजायज है। तो बहरहाल इस हदीस मुबारका में हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई, मजाक की हद बंदी भी बता दी कि भाई ऐसा मजाक ना करो कि जिससे दूसरे को अजियत हो, तकलीफ हो। ऐसे मजाक की इजाजत है कि जिसमें जो है किसी की हकारत ना हो, किसी की बेइज्जती ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। जैसे एक बूढ़ी आई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, वो परेशान हुई, तो फिर उसको फरमाया कि बूढ़ी औरत जो है वो जवान होके जाएगी जन्नत में। देखिए मजाक भी हो गया और उसकी वजाहत भी फरमा दी। एक शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे ऊँट अता फरमा दीजिए, मुझे सफ़र में जाना है, मेरे पास सवारी नहीं है। फरमाया कि ऊँट का बच्चा मिलेगा, मैं बच्चे को मैं क्या करूँगा, मुझे तो लंबे सफ़र पे जाना है, ऊँट का बच्चा लेके क्या करूँगा। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि क्या ऊँट ऊँटनी का बच्चा नहीं होता, ऊँट भी तो ऊँटनी का बच्चा होता है। तो देखिए आका के मजाक मौजूद कैसे हद के अंदर हैं, और महफिल को जो है वो खुशगवार माहौल में भी बदला हुजूर ने। तो बिल्कुल खुशकी भी नहीं है हमारे दीन में, और बिल्कुल जो है बेपरवाही भी नहीं है। हर चीज़ की हद बंदी है कि हद में रहते हुए आदमी तफरी भी करे, हद में रहते हुए मजाक भी करे, हद में रहते हुए शरीयत के हर काम को करे। दुनिया का हर काम शरीयत की हदूद में रहते हुए कर सकता, बस ये हदूद पहचाननी है, इसी का नाम शरीयत है। तो यहाँ फरमाया कि कोई किसी का आसा मजाक में भी ना ले और हकीकत में भी ना ले, यानी उसकी इजाज़त के बगैर उसकी छड़ी उसकी लाठी ना ले ले उससे, और अगर ले तो फल यरुद्दुहा इलैह, उसको वापस भी दे दे। ये तिर्मिज़ी शरीफ और अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि अगर किसी की कोई चीज़ ले ली है, हकीकत में ही ले ली है, मसलन स्कूल के ज़माने में पढ़ता था, किसी दोस्त की कोई चीज़ ले ली, अब एहसास हुआ कि मुझे नहीं लेनी थी, तो हुजूर फरमाते अब वापस करो, भले 10 साल पहले ली थी, अब कैसे वापस करें, भाई उसकी कीमत दे दो, उससे माफ़ करा लो, दुनिया का मामला दुनिया में चुका लो। हाँ ये ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि फिर आखिरत में हमें नेकियां देनी पड़ जाएं। इसलिए किसी ने किसी की कोई चीज़ ली हो, आज मामला साफ़ कर ले, जल्द से जल्द मामला साफ़ कर ले, ऐसा ना हो कि फिर ऐसा दिन आ जाए कि फिर नेकियाँ देनी पड़े। उससे पहले आदमी अपना सारा मामला साफ कर ले। अगली रिवायत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खबरदार, ला तज़लिमु, किसी पे जुल्म ना करो। देखिए हुजूर ताकीद फरमा रहे हैं कि किसी पे भी जुल्म ना करो। ज्यादती जुल्म हमारे मजहब में है ही, हर एक को राहत पहुंचाओ, हर एक को खुशी पहुंचाओ, किसी पे ज्यादती ना करो, किसी पे जुल्म ना करो। यानी कोई सेठ मुलाजिम पे जुल्म ना करे, ज्यादती ना करे, और कोई मुलाजिम सेठ पे जुल्म ज्यादती ना करे, कोई कारीगर
जिसके यहाँ काम कर रहा है उसकी ज्यादती न करे, और कोई जो है दिहाड़ी देने वाला वो कारीगर को नुकसान न पहुंचाए, कोई किराएदार किराए के मकान को नुकसान न पहुंचाए, कोई मालिक के मकान और मालिक के दुकान किराएदार को नुकसान न पहुंचाए, अलाला का जुलिम हो, कोई किसी पे जुल्म न करे। ये सब वाज़े फरमान है, सारी मुआशरत को ये फरमान शामिल है, ला तज़लिमो, खबरदार जुल्म न करो। कितना हुजूर फरमा रहे हैं, कितनी वजाहत से फरमा रहे हैं कि कोई किसी पे ज्यादती न करे, सास बहू पे जुल्म न करे, बहू सास पे जुल्म न करे, नंद भावच पे जुल्म न करे, भावच नंद पे जुल्म न करे, शोहर बीवी पे जुल्म न करे, बीवी शोहर पे जुल्म न करे, अला ला तज़लिमो, खबरदार कोई जुल्म न करो। हाकिम महकुम पे जुल्म न करे, महकुम हाकिम पे जुल्म न करे। और आज हर जगह जुल्म आम है जिसका हम अंजाम देख रहे हैं, हाकिम भी जुल्म कर रहा है, महकुम भी जुल्म कर रहा है, और जो है किराएदार भी जुल्म कर रहा है, मालिक के मकान मालिक के दुकान भी जुल्म कर रहा है, सास भी जुल्म कर रही है, बहू भी जुल्म कर रही है, शोहर भी जुल्म कर रहा है, बीवी भी जुल्म कर रही है, हर एक जुल्म करने पे लगा हुआ है। फिर हम कहते हैं पता नहीं क्यों, किस जुल्म, किस पता नहीं कौन सा गुनाह मुझसे हो गया। ये जुल्म का उन्वान बहुत वसी है। और फिर अला यहिल्लु मालूम रिम इल्ला बितीबि नफ्सिही, इस पे भी कुछ कलाम है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही وأصحابي أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह बहुत से गुनाह हमारे खाते में लिखे हुए, सारे जिस्म गुनाहों में डूबा हुआ है। या अल्लाह गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल हो गया है, हमारे ज़िम्मे बहुत से हक आपके हैं जो हमने ज़ाया किए हैं, और बहुत से हक आपके बंदों के हैं जो हमसे ज़ाया हुए हैं। आपके बहुत से बंदों की हमने हक तलफियाँ की हैं, उनसे जुल्म हुआ है, ना इंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, सब आपके इलम में है, आपके फरिश्तों ने लिखा हुआ है। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारे तमाम ऐसे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए जो हमारे खाते में लिखे हुए हैं, अभी तक उनकी माफ़ी नहीं हुई। या अल्लाह वो सब माफ़ फरमा दीजिए, हम सच्ची तौबा करते हैं, माफ़ फरमा दीजिए। और हमारे अहले हुकूक को जिन जिन की हमने हक तलफियाँ की हैं, आप खजान अपने ख़जाने गैब से उन्हें राज़ी कर दीजिए, उन्हें इतना दे दीजिए कि वो हमसे किसी हक का मुतालबा ना करें। या अल्लाह हमने जो आपके बंदों की हक तलफियाँ की हैं, जो जुल्म और ज़ियातियाँ की हैं, आपके फरिश्तों ने लिखी हैं, या अल्लाह सब मिटा दीजिए। या अल्लाह आप अरहमुर रहीमीन हैं, आप बंदों पर रहम फरमाने वाले हैं। हम अपने गुनाहों का इकरार कर रहे हैं, आपके घर में बैठे हैं, या अल्लाह आप ही ने बुलाया है, अपने घर में अपनों को बुलाया जाता है, आपने हमें अपना समझा है, अपने घर में बुलाया है। या अल्लाह ये मस्जिद आपका घर है और आपने बुलाया है, हम आपके घर में आए हैं। या अल्लाह आने वाले का हक होता है, आप हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमने जो हक तलफियाँ की हैं या अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दीजिए। आपके फरिश्तों ने हमारे जो जो हक तलफियाँ लिखी हैं सब माफ़ कर दीजिए, हमारे आमाल नामे से वो सारे गुनाह ऐसे मिटा दीजिए कि फरिश्तों को भी पता न चले। या अल्लाह हमें सच्ची तौबा नसीब फरमाई, हमें हकीकी नदामत नसीब फरमाई। या अल्लाह गुनाह कर कर के हमारा दिल ऐसा सियाह हो गया है, हमें अपने गुनाहों पर नदामत भी नहीं होती। या अल्लाह आप हमें सच्ची नदामत नसीब फरमा दीजिए, जैसे आपके प्यारे बंदों को अपनी कोताहियों का एहसास रहता है। या अल्लाह हमें भी अपनी कोताहियों का एहसास नसीब फरमाइए।
हमारी तमाम कोताहियों को माफ़ फरमा दीजिए, लग्जिशों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, दुनिया में आपने सत्तारी फरमा दिए, लोग हमें दीनदार समझ गए। या अल्लाह, अरे हशर भी सत्तारी फरमाइए, मैदान हशर में भी हमारी सत्तारी फरमा दीजिए, हमें हकीकी मानों में दीनदार बना दीजिए, हकीकी मुसलमान बना दीजिए। या अल्लाह हमें सच्चा पक्का मुसलमान बना दीजिए, या अल्लाह सच्चा मुसलमान बना दीजिए, हमें अपना ऐसा बंदा बना लीजिए जिन बंदों को देखकर आप खुश हो जाते हैं। या अल्लाह, एक बाप की औलाद तो सभी होती है, मगर जो औलाद फरमा बरदार होती है, बाप उसे देख के कैसा खुश होता है। या अल्लाह, आप हमें ऐसा फरमा बरदार बंदा बना लीजिए जिन्हें देख कर आप खुश हो जाएंगे। या अल्लाह, ऐसे फरमा बरदार बना लीजिए, नफ्स शैतान की शरारतों से हमारी पूरी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह, ये नफ्स शैतान हमें आपसे दूर करना चाहते हैं, आप हमें अपने कुर्ब नसीब फरमाइए, अपना कुर्ब दायमी नसीब फरमाइए, अपनी रजाए कामिल नसीब फरमाइए, अपना ताल्लुक नसीब फरमा दीजिए, आपसे जाती ताल्लुक नसीब फरमाइए, आपकी आपसे मुनाजात की लज्जत नसीब फरमाइए, आपके जिक्र की हलावत नसीब फरमा दीजिए, याल्लाह इबादत की मिठास दे दीजिए। हमने गुनाहों से अपने दिल को ऐसा सियाह किया है कि हम इबादत की लज्जत से महरूम हैं। या अल्लाह, आप नसीब फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों की स्याही को धो दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, हम ये अहकामात मुआशरत को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इन्हें जिंदा करने वाला बना दीजिए, कहने सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह, अमल वाला बना दीजिए, तकवा वाला बना दीजिए, नेक आमाल को इख्तियार करने वाला बना दीजिए, गुनाहों से बचने वाला बना दीजिए, नाफरमानियों से बचने वाला बना दीजिए, अपने आपके बंदों को राहत पहुँचाने वाला बना दीजिए, आपके बंदों की खिदमत करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह, अपने बंदों की खिदमत करने वाला बनाइए, महरूम न फरमाइए। अल्लाह इन्ना नसअलुकल अफ्वा वल आफिया फिद्दीनी वद्दुनिया वल आखिरा। या अल्लाह, हमें हर किस्म की आजमाइशों से बचा लीजिए, हर किस्म के इम्तिहानों से बचा लीजिए, हर किस्म की बलाओं मुसीबतों आफात से बचा लीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, हमें नेक सालेह हुक्मरान अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाइए, हमें नेक सालेह हुक्मरान अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, अपना करम फरमा दीजिए, अपना फजल फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमें नेक सालेह हुक्मरान अता फरमा दीजिए, हमें भी नेक सालेह बना दीजिए। या अल्लाह, जैसे आवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। या अल्लाह, हम पूरी आवाम को नेक सालेह बना दीजिए, और फिर हमें नेक साले हाकिम अता फरमा दीजिए, और एक पाकीज़ा इस्लामी माशरा हमें अता फरमाइए। हमारी हर गली में अहकामात शरीयत जिंदा हों, अदालतों में अहकामात शरीयत जिंदा हों, बाजारों में अहकामात शरीयत जिंदा हों। ए अल्लाह, एक इस्लामी फिजा को आम फरमा दीजिए, शरीयत के अहकाम को की बाला दस्ती अता फरमा दीजिए, हमारे मुल्क में इस्लाम की बहारें ले आइए, हमारी नालायकियों को न देखिए, हमारी मासियतों को न देखिए, सबको माफ़ फरमा दीजिए, सबको माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी बख्शिश फरमा दीजिए, उनकी कब्रों को नूर से भर दीजिए, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दीजिए, उनकी कब्रों में जन्नत की खिड़कियाँ खोल दीजिए, वहाँ की बहारें, वहाँ की हवाएँ, वहाँ की खुशबुएँ से उनको या अल्लाह सरफराज फरमाइए। ए अल्लाह, उनको राहतें अता फरमाइए। जिन मुर्दों को कोई याद नहीं करता, या अल्लाह, जिनको सब भूल गए मगर वो ईमान की हालत में गए हैं, किसी वजह से अजाब कब्र में मुब्तला हैं, या अल्लाह, उन सबको माफ़ फरमा दीजिए, उनके अजाब में तख़फ़ीफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह, उन सबको माफ़ फरमा दीजिए, उनकी कब्र को भी जन्नत का बाग बना दीजिए। हमारे अकाबिर मशाइख असातिज़ा वालिदैन में से जो दुनिया से रुखसत हो चुके, उनकी कब्रों पर खुसूसी रहमतें नाजिल फरमा दीजिए।
ए अल्लाह हमारे अकाबिर मशाइख असातिज़ा वालदेन में से जो हयात हैं उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, उनके साए हम पर सलामत रखिए, उनकी खिदमतों से हमें माला माल फरमाए, उनकी खिदमतों से हमें महरूम न फरमाए। اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.